शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। कानून की मदद करने वाले कभी कानून के साथ मिलके गैर कानूनी काम नहीं कर सकते। एक उर्दा अगर तुम दे दो कि तुम्हें जी सकता हूँ। बोल की माँ का खून तूने किया था। मुझे छोड़कर मत जाओ रीटा। फैक्ट्री में आग लग गई सर। सारी फैक्ट्री जल के राख हो गई है सर। क्या? हाँ जी, सब कुछ जल के राख हो गया सर। बर्बाद हो गया। मेरी फैक्ट्री जल गई है। मैं कोड़ी कोड़ी मोताही हो गया। मेरे दलाल जूते वाला बर्बाद हो गया। एक मिनट में दिलीप दलाल जूते वाला बर्बाद हो गया। आपने जब उनकी मदद की है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ख्याल रहे, आईना मैं तुम्हें सजा से नहीं बचाऊंगा। अरे ऐसी क्या बात है सर, कानून की मदद करने वाले कभी कानून के साथ मिलके गैर कानूनी काम नहीं कर सकते। सब ठीक हो जाएगा, भगवान सब ठीक कर देगा। और मेरा जो कुछ भी है वो आपका ही है ना। मैं तो आपके लिए जान भी दे दूंगी। जान? हाँ हाँ। तुम्हारा इंश्योरेंस है? हाँ, है। क्यों? मैं ऐसे ही पूछ रहा था। घर में घासलेट है? हाँ है। क्यों? मैं ऐसे ही चाय पीने को मन कर रहा था, कब चाय पिला दो। अरे रामू। अरे नहीं रामू आमू नहीं। क्यों? आज मेरे मन की आशा कह रही है कि ये आशा मेरे मन की निराशा को खत्म करने के लिए एक आशा भरी चाय पिला दे। एक कप चाय पिला दो। अब भी लाती हूँ। अगर मैं इस पे 5 लीटर घासलेट डाल दूं और छोटी सी दिया सलाई जला दूं तो इंश्योरेंस कंपनी से मुझे 10 लाख रुपया मिलेगा। आइडिया कम बुरा है, डाल दूं। आज ये गैस वाला गैस भी नहीं लाया। क्या बात है, मैं तो चाय अभी ला ही रही थी। पाप धोने से 5 लाख की लॉटरी लगती है ऐसे। माँ ये सब कैसे हुआ? माँ हाँ माँ मुझे जला के इनको मेरे बीमे के 5 लाख रुपए मिलने वाले हैं। ये क्या कर रहे थे? तू कौन होता बीच में बोलने वाला? ये मेरी पत्नी, में कुछ भी कर सकता हूँ। अगर आपकी सगी माँ का भी बीमा होता ना तो पैसों के लिए आप उसे भी चला कर रख कर देते। मगर मैं अपनी माँ को इस घर में जलने के लिए नहीं छोड़ूंगा। चल माँ चल। जी तो करता है कि पुलिस को फोन करके आपके हाथों में हथकड़ियां पहनवा दूं। नहीं, 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 ऐसा मत कर। सुना शर्म आनी चाहिए आपको। अगर आप में इतनी सी भी शराफत बाकी है तो पाँव छुइए इस देवी के। मैं जा रहा हूं अपनी माँ के साथ। आज से मेरा और आपका रिश्ता खत्म। आज तो लिहाज कर लिया मगर आगे नहीं करूंगा, याद रखिएगा। चल बा आपको 10 लाख देने हैं ना? और शेठ धनराज आपकी मुझ पर 15 लाख रुपए बाकी है। क्या है, मेरी हालत बहुत खराब है। एक थोड़ा सा वक्त दे दो मुझे। वक्त खत्म हो चुका। हम तुमसे वक्त मांगने नहीं आए हैं, अपना बंगला खाली करवाने आया है। लेकिन मैं अपना फर्नीचर लेने आया हूँ। मैं तुम्हें बाहर फेंकवाने आया हूँ। हवलदार इसे बाहर निकालो। नहीं नहीं, अरे ठहरो, अरे अरे बात सुनो, अरे अरे रहूंगा किधर यार? फुटपाथ पर क्या जल्दी? फुटपाथ पर क्या करेंगे? अरे बात सुनो।
जल्दी। तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं वही हूँ दलाल, जूते वाला। जूते वाले का हाल नए जूते से पुराने जूते जैसा हो गया है। चल चल जल्दी कर। क्यों, होने वाली बहू का शू पॉलिश करने में शर्म आ रही है क्या? बेटे मेरा मतलब बहू, मैंने कभी तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी की, कभी बुरा सुलूक किया? नहीं नहीं नहीं, मुझे अपने घर बुलाकर मेरा स्वागत किया, मेरा बड़ा आदर किया। एक बार तुमने कुछ जहेज का जिक्र किया था तो मैंने कुछ ज्यादा मांग लिया था, तो मेरा मन मेरे अंदर से निकला, उसने मुझे गाली दी कि कमबख्त तू इतना पैसा मांगता है, तो अब तुम थोड़ा भी दोगे तो चलेगा, बाकी का बाद में दे देना। ये एक रुपया पॉलिश के लिए और एक रुपया टिप। डॉक्टर कहता है मेरे गुर्दे बहुत दिनों से खराब है। जल्दी उठा कर हॉस्पिटल फोन करो, डॉक्टर से कहना सारा खर्च मैं दूंगी। जल्दी अंकल, आपकी दोनों किडनी खराब है, अगर आपने जल्द से जल्द अपने खानदान के किसी आदमी से नई किडनी लेके नहीं लगवाया तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। क्या बात है बेटे, मतलब मैं? अंकल आप ओम से क्यों नहीं मांगते? नहीं नहीं, वो तो मुझसे लड़कर घर छोड़कर चला गया, मुझसे नफरत करता है, ऐसे में कौन किडनी देगा मुझको? अंकल सुनो, तुम बद्दू हो ना? हाँ हाँ, तुम कौन हो? मैं दलाल हूँ। दलाल? दलाल? परसों पहले कोर्ट ने तुम्हें एक बच्ची पालने को दी थी ना? हाँ दी थी। वो बच्ची कहाँ है? एक बार मिला दो उससे। अरे तुम तो उससे मिल चुके हो। मैं? क्यों? उसे धक्के मार के घर से नहीं निकाल दिया था मेरी लक्ष्मी को? सुनो, एक बार उससे मिला दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। देखो मैं सामने जूते की दुकान में काम करता हूँ, एक बार मुझे उससे मिला दो। गया था, उन्होंने कहा कि मेरे दोनों गुर्दे बेकार हैं, एक गुर्दा अगर तुम दे दो कि तुम्हें जी सकता हूँ। दीदी अब तो तुम ही मेरे लिए लक्ष्मी हो। लक्ष्मी? किसी लक्ष्मी को ठोकर मारकर घर से निकाल दिया था। उस दिन मैं तुम्हारे पैर छू रही थी और याद है मैंने क्या कहा था? आज आपने मुझे ठुकराया है, कल तकदीर आपको ठुकराएगी। अब आपकी जान बचाने की कीमत 15 लाख है, 5 लाख गुर्दे की और 10 लाख दहेज के लिए। लक्ष्मी ने तुझसे 15 लाख रुपए मांगे? छी 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 छी, तब तो जूता वाला तेरे लिए मर जाना ही बेहतर है। और सुन, वैसे ही तू आधा मरा हुआ है, कौन आदमी तेरे पे 15 लाख रुपए खर्चा करेगा? तू ऐसा कर, तू खुदकुशी कर ले और तेरी अर्थी पर जो 15-20 रुपए खर्चा होंगे वो मैं कर दूंगा। मेरे ऊपर रहम कर। अच्छी बात है मिस्टर डिक कॉस्टा, ये खून के धब्बे याद रखना, अब अगर मैं मरूंगा तो अकेले नहीं मरूंगा, तुमको साथ लेके मरूंगा। ये दलाल जूते वाला जिसने तुझे अपने पैरों पे खड़ा किया है, एक दिन तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन खींच लेगा। मैं मानता हूं कि मैं जिस्मानी तौर पे कमजोर हूं, मगर मेरे दिमाग की ताकत बहुत ज्यादा है, और एक दिन ऐसे दिमाग की ताकत से मारूंगा कि तुम लड़खड़ा कर सीधे आकर जूते वालों के जूतों पे गिर जाओगे और वो तुम्हें ठोकर मार के ऐसे फेंक देगा, ऐसे। सामने देख, सामने देख, सामने देख, गाड़ी चलाते हुए। हेलो हेलो डैडी, डैडी दलाल अंकल मुझे जबरदस्ती उठा कर यहाँ ले आया।
मिस्टर डिक कॉस्टर, देखा दलाल जूते वाले की ताकत, अब सीधे 15 लाख रुपए मेरे हवाले कर दे न, मैं तेरी बेटी के 15 लाख छोटे छोटे टुकड़े करके तेरे घर भेज दूंगा। जूते वाला दलाल, तुम्हारा दिमाग वाकई बहुत तेज चलता है। ठीक है ब्रदर, तुम अपन को थोड़ी देर के बाद फोन करो, हम पैसे का बंदोबस्त करना है। और रिटर्न का ख्याल रखना। दलाल का जान बचाने वाला लक्ष्मी हमको फौरन इधर मांगता है, उठा करो। भगवान का शुक्र है कि मेरा बेटा सीधे रास्ते पर आ गया। अब तुम दोनों जल्दी शादी कर लो। कौन? पुलिस। क्या है? तुम्हारा नाम लक्ष्मी है? जी नहीं। हाँ। तुम्हारे खिलाफ वारंट है, पुलिस स्टेशन चलो। मैंने तो आपको कभी देखा नहीं, नहीं हो? हाँ नया नया हूँ, चलो पुलिस स्टेशन। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मेरे सारे गैर कानूनी काम छोड़ दिए। आप जाके पुलिस स्टेशन में बताना। चलो। क्या हुआ लक्ष्मी? गिरफ्तार कर रहे हो इंस्पेक्टर? तो जॉन मुझे बचा लीजिए कमिश्नर साहब। लेबल भी नहीं है, शायद गिर गया होगा। हाँ। अपने से बड़े अफसर को सैल्यूट करना नहीं सीखा तुमने? सलाम करो भैया। अब चल। इस लड़की का अरेस्ट वारंट कहाँ? घर छोड़ा है। मुझे तुम नकली इंस्पेक्टर लगते हो। क्या बोला? आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ। अरे केस तेरा नहीं मेरा है, इसमें आइडेंटिटी कार्ड की कोई जरूरत नहीं है। क्या? ओह आई सी। फोन, मैं अभी पुलिस को फोन करके तुम लोगों को पकड़वाती हूँ और सबको हथकड़ी लगवाती हूँ। हेलो पुलिस। यस पुलिस स्टेशन। कुछ नकली पुलिस वालों ने कमिश्नर साहब को खून कर दिया है और मुझे यहाँ ले आए हैं। अबे स्मार्ट है। चले। यस सर। दलाल बिना जूता वाले को फोन करो, साले कहो कि उसकी लक्ष्मी हमारे पास आए। लक्ष्मी को उठा के ले गए। कौन? पुलिस वाले। पुलिस वाले? मुझे लगता है वो नकली पुलिस वाले थे। जाओ बेटे, लक्ष्मी को लेके आओ। जाओ। अब तुम फिक्र मत करो, मैं लक्ष्मी को लेकर आता हूँ। तुम फिक्र मत करना, तुम चिंता मत करना। वेलकम वेलकम बिना जूता वाला दलाल, अब जल्दी से हमारी बेटी हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हें नई जिंदगी देने वाली तुम्हारे इस बेटी को हम गोली मार देगा। मार दे? ये मेरी बेटी नहीं। अब वो राज छुपाने का कोई फायदा नहीं, जिस कमिश्नर का बेटा तुमने उठाया था वो कमिश्नर मर चुका है। अपन उसको अपने हाथ से गोली मारेगा, अभी अपने को कानून से कोई खतरा नहीं। कमिश्नर मर गया? बेटी मैं सचमुच तेरा बाप हूँ। झूठ क्यों बोल रही हो? एक गुर्दे के लिए नकली बाप बनने को भी तैयार हो गए? नकली नहीं बेटी, आज जिंदगी में पहली मरतबा मैं सच बोल रहा हूँ। पहले क्यों नहीं बोला? कमिश्नर के डर से आज वो मर गया तो खुद ब खुद मेरे मुंह से सच निकल रहा है। यार तुम भी तो कुछ बोलना। मेरे अस्पताल में दलाल की बीवी को एक लड़की पैदा हुई थी जो तुम हो, और पुलिस कमिश्नर की बीवी को एक लड़का पैदा हुआ था जो नारायण है, लेकिन तुम्हारे बाप ने तुम्हें कमिश्नर की बीवी के कमरे में डाल दिया और नारायण को उठाकर चला गया। एक कुर्ता दे दे मेरे को, वरना मैं दर्द से तड़प तड़प के मर जाऊंगा। खबर आ लक्ष्मी, इस जैसे बाप का मर जाना ही अच्छा है। नहीं बेटा, तुम भेजो मत बोलो। तुम आज तक ये सब मुझसे छुपाते रहे, ये जेडी अस्पताल मेरी माँ की यादगार है और तुमने इसे अपने गुनाह और गैर कानूनी कारनामों का अड्डा बना दिया। बेटी ये सब मेरा नहीं इसका किया हुआ है। साला बेटी को देख रहा तो शरीफ बनने को लग गया। बेटी आज तक यहाँ जो भी गैर कानूनी काम हुआ है ना, वो हम दोनों ने मिलकर किया है। आजम खान का खून भी तेरे बाप ने किया, मैंने सिर्फ मदद की उसकी। उसके बाद उसने ऐसा चक्कर चलाया, आजम खान का बेटा अकबर खान मेरी और नारायण की जान का दुश्मन बन गया और ये बच के निकल गया। दलाल, अला 420 दुनिया के बोल खोलता है, और जब खुद की बारी आई तो अपनी जबान में ताला लगा के बैठ गया। अगर है हिम्मत तो बोल अपनी बेटी को, बोल उसकी माँ का खून तूने किया था। अभी जाके पुलिस को सब कुछ बताती हूँ। कहो तो गोली मार दूँ। ना, give it to me.
दर्द मार डालेगा मुझको। इंजेक्शन से कुछ नहीं होगा, अब तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। कानून मरकर भी गैर कानूनी लोगों को मारने आ पहुंचता है, पकड़ो इन सबको। लेकिन एक बात याद रखना, हमें हथकड़ियां लगते ही तुम अपने खोए हुए बेटे से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाओगे। जिस बेटे को तुम पाने के लिए 20 साल तक मुकदमा लड़ रहे थे, आज उस बेटे को तुम पा सकते हो, मगर गैर कानूनी तरीके से, कानूनी तरीके से नहीं। 5 लाख रुपए है कमिश्नर, अगर तुम हमारे आदमियों को छोड़ दो और हमें सरहद से बाहर करवा दो तो हम इन रुपयों के साथ साथ तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ बेटा भी दिलवा देंगे। मेरे बेटे को कहीं छुपा दिया, मुझे मेरा बेटा चाहिए। वादा कीजिए आप मेरे बेटे को वापस लाएंगे, वादा कीजिए। मैं आपके साथ हूँ। इंस्पेक्टर शर्मा। यस सर। इन आदमियों को छोड़ दो और सिपाहियों को अपने साथ ले जाओ। ये जुर्म के लिए मैं आपको गिरफ्तार कर सकता हूँ सर। तब तक नहीं जब तक तुम्हारे पास मेरा अरेस्ट वारंट ना हो। पहले आईजीपी साहब के पास जाओ, मेरा अरेस्ट वारंट बनाओ, तब बात करेंगे। गेट आउट। क्राइम ब्रांच में मुस्तफा जमाल का नाम है ना? मुस्तफा जमाल से कहो कि मुझे यहाँ फौरन फोन करे। आउट। चलाओ। मुस्तफा जमाल का नाम आपको तो पहली बार सुन रहा है। मैं तो तुम्हें बहुत पक्का समझता था लेकिन तुम कच्चे निकले। मुस्तफा जमाल गुनाहों की काली दुनिया का बादशाह, मेरा अजीज दोस्त। उसके पास कई एरोप्लेन्स हेलीकॉप्टर्स हैं और मैं चाहता हूं कि उसके हेलीकॉप्टर के जरिए हम सरहद पार कर जाएं। अब तो बता दो कि मेरा बेटा कहाँ है। तुझे मारकर ही वापस आऊंगा। जेल में तू नहीं, तेरी लाश जाएगी और उसे अपने कंधे पर मैं ले जाऊंगा। बदला लेने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा अकबर खान। रीका, ये क्या हो गया रीका? अकबर तुम्हारा दुश्मन है। बेटा, बेटा। तुम कमिश्नर साहब के बेटे हो। दलाल के लिए। रीका, ये क्या कह रही रीका? मैं सब सुन के आ रही हूँ। दलाल ने तुम्हें अस्पताल से उठा लिया था। तुम कमिश्नर साहब के बेटे हो। लक्ष्मी दलाल की बेटी। बेटा तुम, तुम्हारे हाल कैसे? दादी ने तुम्हारे बाप का खून मेरे बाप ने किया था, तुम उसे बदला जरूर लेना, जरूर लेना। अकबर मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। नहीं खान, ये मौका मिलकर लड़ने का है। उसकी जान खतरे में है। बेटा,
मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ रीटा, मुझे छोड़कर मत जाओ। ये पिस्तौल मुझे दो। अब ये हमारे दुश्मन नहीं दोस्त। मिस्टर काबिल खन्ना, दलाल और मैं एक गैर कानूनी रिश्ते में बन गए हैं और अब तुम भी हमारे साथ आ जाओ। हाँ बेटे हाँ, तुम्हारी माँ को दिए हुए वचन को पूरा करने का यही एक तरीका था। अब मैं पुलिस कमिश्नर नहीं हूँ, सिर्फ एक बाप। हाथ मत लगाइए मुझे, आपको तो बाप कहना ही पाप है। एक कमिश्नर जो गुनाह के जाल में फंस गया हो उसे तो बाप कहना भी गुनाह है। क्या आपके पाँव में तो भ्रष्टाचार की जंजीरें बंधी हुई हैं, मगर मैं अपने भविष्य को गुनाहों के दलदल में फंसने नहीं दूंगा। मैं लक्ष्मी को लेकर जा रहा हूं, जा रहा हूं मैं। ठहरो नारायण, जिस बाप ने तुम्हें पैदा किया है वही बाप नाफरमानी के जुर्म में तुम्हें गोली भी मार सकता है। ठहरो लक्ष्मी, चलाइए गोली। मेरे बाप कमिश्नर कपिल खन्ना का सच्चा खून मेरी रगों में दौड़ रहा है। ना वो मौत से डरता था, ना मैं मौत से डरता हूं। चलाइए गोली। नहीं प्लीज नहीं। हेलो कमिश्नर कपिल खन्ना, यार तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने मुस्तफा जमाल, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को स्मगलर बना दिया। यार तुम्हारे इंस्पेक्टर शर्मा तो बहुत ही सीरियस नजर आ रहे हैं। कितने लोग आएंगे जेल में? 10-12 सर। आप एक हेलीकॉप्टर का इंतजाम कर दीजिए, मैं आज रात ही अपनी गैंग के साथ सरहद पार करना चाहता हूँ। फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं? सालों को डंडे मार मार कर जेल की कोठरी में हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। बंदोबस्त होते ही आप मुझे एक फोन से बात। मैं आपके साथ हूँ। गद्दार पुलिस के कुत्ते! नहीं, आहिस्ता आहिस्ता, ऐसी हालत कर दें कि दुनिया का कोई भी कफन इनके शरीर को ढकने से घबराए। कफन तो मैं लाया हूँ आरामजादो। एक तो अपने मरहूम बाप की तरफ से और एक अपनी रीटा की तरफ से। जिन हाथों से रीटा को दफनाया है उन्हीं हाथों से तुम्हें दफनाऊंगा। Thank you.
अरे दोस्त, तू जैसा मर तो गोली और मारता ना तो शायद मर जाता, मगर ऐसा कमीना तो 50 गोली भी और मारे ना तो भी मैं मरूंगा नहीं। ले खान भाई, ले ले अपना बदला। शुक्रिया मेरे दोस्त, बदला लेने में तूने मेरी मदद की। नहीं खान, नहीं दोस्त बनते ही छोड़ कर मत जा। देख नहीं, देख दोस्त नहीं, देख देख रीटा मेरा मेरा इंतजार कर रही है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद और रसूल अल्लाह। Come, come.